आज हमारे साथ है एडवोकेट हरिकृष्ण गुप्ता जी, जो कि कानपुर से हमारे पास आए। इनको दिक्कत थी L4 L5 और L5 S1 स्लिप डिस्क की। चलिए हम इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी थी और अब ये कैसे है। जी सर बताइए, कहाँ से आए आप, क्या क्या दिक्कत थी आप? हम कानपुर से आए और कानपुर से आने के बाद जो है यहाँ पर हम एक दिन के लिए आए थे कि चलो देख लेते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आए थे। लेकिन जब हम एक दिन के लिए आए तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ 5-7 दिन रुकना चाहिए, इसके बाद ही रिजल्ट कोई आता है। एक दिन में कोई ऐसा काम नहीं होता है। तो मैं आया तो 8 दिन मैं रुका। ये है 22/4 2022 से 30/4 2022 तक मैं रुका। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम तो आए थे एक दिन के लिए, लेकिन 8 दिन रुक के फिर चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा ये आपका केस है 15 दिन रुकने का, तो मैं 8 दिन रुक के फिर इसके बाद अभी इस समय आया हुआ। तो जिसमें हमने अपने यहाँ से दोबारा फिर कराया तो प्रिपेयर हुए और अच्छे भी हुए मैं फील किया, क्योंकि इसके पहले हम दवा लेते थे तो दवा लेने में हम जो है दवा के बगैर चलते नहीं थे। लेकिन जब से हम आए हैं यहाँ पे आपसे एक भी दवा नहीं ली और आराम मिला हमको। और आप जो पैदल नहीं चलते थे तो पैदल नहीं चल पाते थे, मोटरसाइकिल या किसी का सहारा लेते थे, अपने आप ही 1.5-2 किलोमीटर यहाँ चल के आए। और काफ़ी कुछ अच्छा लगा, यहाँ पे आपका स्टाफ भी अच्छा है, फ्रेंडली स्टाफ है, सभी लोग कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और जैसा कि अन्य डॉक्टर होते हैं वो हाउ वन टू मनी पे फोकस रखते हैं, वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये ख़ास तौर पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो यदि कोई दिमाग में रखे कि हिंदू मुसलमान है तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं फील किया। एक फ्रेंड सर्किल सा है और आपस में सभी लोगों का प्रेम से भाईचारा वाला भी होता है और रुकने की भी व्यवस्था डॉक्टर साहब द्वारा उपलब्ध हो जाती है। परेशानी आपको कितने टाइम से थी? ये परेशानी हमारी करीब 2 या 3 साल से चल रही थी और डॉक्टर अंकुर गुप्ता और कानपुर के जो ये थे हैलेट के अस्पताल के पास, वहाँ पे मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पनेशिया वगैरह, तो उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशन है और ऑपरेशन से ही ये निदान हो पाएगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऑपरेशन कराने के पक्ष में नहीं थे। तो लिहाजा ये यूट्यूब के माध्यम से हमने ये देखा और फिर आए। इसके बाद अकेले ही आए, क्योंकि हमको कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं कोई ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहब की तरफ से पूरा सहयोग भी मिलता है और अच्छे ढंग से वो किया जाता है और इनकी मंद मुस्कान जो है लोगों को और ज़्यादा लुभावनी दे देती है। अच्छा, इस तरह के जो केसेस हैं जो सालों साल दवाई खाते चले जाते, उनको सर्जरी के लिए बोला गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जहाँ तक हम रहे, पहले भी 8 दिन रहे और इस बार भी 8 दिन रहे, तो ऐसा हमने नहीं पाया कि डॉक्टर साहब के प्रति कि कहीं भी आपके पास लालच का है। जो आपने पेशेंट लेना चाहे वही आपने लिया, और जो पेशेंट नहीं लेने काबिल है या नहीं बनाने लायक थे तो उनको वापस कर दिया, ये एक बड़ी बात होती है। नहीं तो हर डॉक्टर ये सोचता है चलो कैसा भी हो हमको 8 दिन तो भुगतान मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे ऐसे हैं जो नए प्रोफेशन के साथ नई चीज़ करते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको लेने लायक होता है वही लेते हैं केस, अन्यथा नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लेडीज़ों के लिए भी इनकी ठीक टीम है जो लेडीज़ों को भी ठीक से करती है और कोई भी इल्ज़ाम या कोई चीज़ विवादित नहीं बनने देती हैं, ना ऐसी होती है ना पाई हमने। तो लिहाजा हम तो यही चाहते हैं कि ठीक ठाक है और इसी के साथ हम इनको कुछ देना चाहते हैं वो जरूर देंगे। ये सर ने ठीक होने के बाद हमें गिफ्ट किया है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी।